हेलो फ्रेंड, एजुकेशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू अपडेट वीडियो लेके आ रहा हूं, जिस वीडियो का नाम है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के माध्यम से एक न्यू अपडेट आया है बिहार बेल्ट्रॉन में। तो यह अपडेट क्या है, इस चीज़ को आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले आपको इस स्क्रॉल पे ऊपर जाना है, और स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हुए आप लोग यहां पे देख रहे हैं व्यू मोर। व्यू मोर पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके लिए एक इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको एक न्यू अपडेटेड यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखा देगा। तो इस नोटिफिकेशन में आप देख रहे हैं, एक तो 26 फरवरी का नोटिफिकेशन है डी ओ के अंतर्गत, और दूसरा 26 फरवरी का लगभग आपको 3-4 नोटिफिकेशन है। उसे आप 1 मार्च 2021 का नोटिफिकेशन देख लीजिए, इस नोटिफिकेशन में क्या कहता है, इस नोटिफिकेशन को आप पूर्ण रूप से डिटेल में देखिए। तो 26 फरवरी का आप देख रहे हैं 3 नोटिफिकेशन है, जो 26 का स्टेनोग्राफर का है, प्रोग्रामर गारप का है और डीओ का है। तो इसमें आप देखें तो सबसे पहले आप एक मार्च का देख लीजिए, इसे डाउनलोड कीजिए, देखते क्या ऑप्शन। शास्त्री नगर पटना के अंतर्गत नए प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर की अभिनियोजन यहाँ पे देख रहे हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से यहाँ पे निकाला गया है 26/2/2021 के रिक्वायरमेंट में। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन के अंतर्गत माध्य से सरकार विभागों में कार्यालय निकायों की अधिसूचना के विरुद्ध संविदा के आधार पर प्रोग्रामर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराता है। मैन पावर आपूर्ति निबंधन रूप से जारी रखने वाले बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी को एक पुल तैयार करता है, जिसके लिए बेल्ट्रॉन द्वारा CBT कंप्यूटर बेसिक एग्जाम टेस्ट परीक्षा ली जाती है। CBT परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को टाइपिंग की परीक्षा ली जाती है, और CBT में टाइपिंग दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का एक फूल तैयार किया जाता है। फूल तैयार होने के बाद इसका डेवलपमेंट मैन्युअल तरीके से किया जाता है। January 2021 में ऑटोमेट्रिक तरीके से ERP के माध्यम से किया गया था। ERP सॉफ्टवेयर के मुख्य 3 बिंदुओं के आधारित स्थगित किया गया है, रजिस्ट्रेशन ईयर 100 पॉइंट, रिवेन्यू रोस्टर और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट। तो पंजन वर्ष एवं संख्या आधार पर ERP सिस्टम एवं किया गया है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप देख रहे तो डाउनलोड मतलब डुप्लीकेट KYC ERP सिस्टम द्वारा किया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 में नंबर था 28/54, 138, 144, 0 और 67/34। ERP द्वारा यहाँ पर किया गया है, इसमें बताया जा रहा है ERP के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया निम्नत है। विभाग द्वारा ERP सिस्टम के ऑनलाइन अधिसूचना करना, बेल्ट्रॉन द्वारा अधिसूचना को स्वीकृत करना, और ERP के द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 एवं 2 बिंदु पर बनाए गए लॉगिस्ट के मुताबिक यहां पे कैंडिडेट को SMS करना, ऑफर भेजना है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट द्वारा ऑफर एक्सेप्ट रजिस्ट्रेट किया जाना चाहिए यहाँ पर, और रिजेक्ट की स्थिति में उसी रिक्वेस्ट रोस्टर पॉइंट को यहां पे सारा प्रक्रिया किया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है, बिहार मतलब विभाग द्वारा सेवा लौटाए जाने पर पुनः कैंडिडेट को KYC करना एवं पुनः प्रतिनियुक्ति हेतु 01 और 203 को दोहराना है। अभी बेल्ट्रॉन के पास 2019 की दक्षता परीक्षा में सफल डाटा एंट्री ऑपरेटर में से 67/34 को KYC सत्यापित किया जा चुका है। साथ ही 2019 से पहले ही दक्षता परीक्षा में सफल 266 डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं 261 प्रोग्रामर का KYC सत्यापित किया जा चुका है। KYC सत्यापित डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर एवं स्टेनोग्राफर की वैधता सूची बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई है। इसी सूची को January 2021 माह के प्रतिनियुक्ति की जा रही है। अभ्यर्थी से अनुरोध है कि वे अपने पासवर्ड से संबंधित सूचना को किसी अन्य को न दें। January 2021 की विभागों से प्राप्त अधिसूचनाओं के विरुद्ध अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्पों को वह सारा प्रक्रिया को देखें, और 23/2/2021 के लिए 1561 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 01 प्रोग्रामर, 36 प्रोग्रामरों को ERP माध्यम से ऑफर भेजा गया है, जिसमें अब तक 762 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 731 स्टेनोग्राफर, 01 प्रोग्रामर, 30 अभ्यर्थी को अंतिम रूप से प्रतिनियुक्ति की गई है। जिसमें यहां पे मैन पावर एजेंट को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्ति अभ्यर्थी को निर्गत करने वाले शेष बचे 836 अभ्यर्थियों का आमंत्रण प्रक्रियाधीन के लिए ऑफर के बार बार अधिकृत किए जाने पर पुनः होने वाले विलंब हो रही है। इस प्रक्रिया को तेजी करने का प्रयास की जा रही है।
जैसे कि आप सभी को पता है विगत वर्ष हर वर्ष के औसतन 1500 अभ्यर्थी के लिए अधिसूचना प्राप्त होती रही। संख्या परिवर्तनशील, स्वाभाविक को 73 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अधिसूचना विरुद्ध किया गया है। तो यहाँ पे सारा प्रक्रिया को देखते हुए आप देख रहे इस क्रमविध में जैसे कि 1500 अभ्यर्थियों को अभी कॉल लेटर भेजा गया है, जिसमें अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे 762 डाटा एंट्री ऑपरेटर और आपको स्टेनोग्राफर 1 और प्रोग्रामर का 30 स्टूडेंट जो कि यहाँ पे आया है, जिसमें अब तक 762 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 731 डाटा एंट्री, 762 ऑपरेटर, 731, इतना आपको यह सारा प्रक्रिया किया गया है। अब तक में 762 आ चुका है और 1500 को यहाँ पे कॉल लेटर 1561 को कॉल लेटर के एंट्री रूप में भेजा जा चुका था। दिनांक 23/2/2021 को 1561 डाटा इंटरप्रेटर 01 प्रोग्रामर 36 प्रोग्रामर को ईआरपी माध्यम से ऑफर भेजा गया था, जिसमें 762 731 एस्टेनोग्राफर जिसमें अब तक का 762 आ चुका है। तो यह प्रक्रिया आप देख चुके हैं। सुख व्यवस्था हेतु बेल्ट्रोन हेतु मैन पावर की विरुद्ध में ऑनलाइन अवस्था व्यवस्था की ली जाती है, जिसमें पावर